हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके अपने सोनम छबाना और आज हम करने जा रहे हैं आपकी टैरो रीडिंग। आपके पर्सन जो कि आपके साथ कांटेक्ट में है या आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो दोनों की ही सिचुएशन देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेके वो क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं या आगे आने वाले टाइम में वो क्या आपको कमिटमेंट देंगे या उनका क्या कदम होने वाला है आपकी तरफ। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका आप नाम सोच लीजिए, उसको जहन में ले आइए, उसकी जो छवि है, उसकी जो फेस है, स्पेशली फेस, स्माइलिंग फेस, उसको अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर लीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपके लिए ये वर्क करेगी। अगर आप इस वीडियो के, ये वीडियो आपके सामने आया है, दैट मीन्स समथिंग इम्पॉर्टेंट इज देयर, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें जो आपके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग रीडिंग। तो डिवाइन अलाइन मी विद यू, मुझे अपना मीडियम बनाइए ताकि मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको गाइडेंस दे सकूँ उनके पर्सन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं तीन कार्ड्स निकालती हूँ, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ओके, 1, 2 और 3। देखिए, जो लोग कांटेक्ट में हैं तो उनको पता है कि हैं, बात हो जाएगी। तो यहाँ यही दिख रहा है कि कम्युनिकेशन है और आप उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके मन में 24/7 हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन वो अभी जो है इतने इमोशनल नहीं है, वो फॉर ग्रांटेड कहीं ना कहीं आपको ले रहे हैं। ये उनके लिए है जो कांटेक्ट में हैं, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनको पता है आपने कहीं जाना तो है नहीं, इसलिए हो सकता है कि वो आपको इतना एक्सप्रेसिव ना हो, अपना प्यार ना दिखा रहे हों, अपने आप को महसूस ना करवा रहे हों, इसलिए आपको चिंता हो रही है कि ये क्या हो रहा है। देन तीसरा कार्ड भी यही है कि उनका करंट सिचुएशन यही है कि यस, आप 24/7 उनके दिमाग में हैं लेकिन अपना प्यार, अपना कंसर्न वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। कह सकते हैं अपने लाइफ के किसी और क्षेत्र में, किसी और एरिया में वो बिजी हैं। हाँ, और क्या वो आगे आपको कमिटमेंट देंगे, उनके लिए है जो कांटेक्ट में हैं, यस ज़रूर देंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, होप रखिए। दोनों ही कार्ड बड़े खूबसूरत हैं, होप रखिए। अब बस वो आपको ज़रूर कोई ना कोई कमिटमेंट देंगे, यानी कि आपकी जो, आप जिस तरह का कमिटमेंट उनसे चाहते हैं उसकी तरफ वो अपना कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। आप देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन, जिनकी नो कांटेक्ट है उनके लिए क्या है। तो कार्ड्स बताएं जो कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए, उनका पर्सन के दिमाग में आप हैं कि आपने, ओके, जो नो कांटेक्ट में है, ओके। अगेन आई हैव टेकन आउट द 3 कार्ड्स, यस। तो यहाँ पे जो नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल आप उनके थॉट्स में आते हैं जाते हैं और प्रेजेंट भी रहते हैं, मतलब ज़्यादा देर के लिए आते हैं कह सकते हैं। हाँ, और वो आपके साथ कांटेक्ट करने के इच्छुक भी हैं, वो चाहते भी हैं। और यहाँ पे देखिए 8 of Pentacles आया है, यस बिल्कुल आप के साथ वो अपना रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं और कोशिश भी करना चाहते हैं। मे बी अंदर ही अंदर कुछ कोशिश कर रहे होंगे, तो अभी तो यहाँ नज़र यही आ रहा है कि 80% वो कोशिश करना भी चाहते हैं, शायद कोशिश कर भी रहे हैं। तो जो नो कांटेक्ट है वहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आप अपने पर्सन के जहन में हैं, अपने उनके दिमाग में हैं, उनकी फीलिंग्स में क्या है, थोड़े रिजिड हैं, थोड़े से अड़ियल हैं, वो अपने आप को खींच के रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस ये भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कब बात करेंगे, आप ये देखते हैं आपकी मुलाकात कब होगी या बातचीत कब होगी। अभी तो ये दिख रहा है वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं,
ये अभी 1 महीने का टाइम लग जाएगा, अभी 1 महीने का टाइम पूरा और लग जाएगा, कोई बात नहीं। क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे क्या? अभी थोड़ा चल रहा है, थोड़ा सोच विचार चल रहा है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जब हम मिलेंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी, तो वो ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे। ऑल दो वो अपनी लाइफ में काफ़ी मायूस हैं कई कई चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये रीडिंग जो थी ये टाइमलेस थी। ये मैंने आपको जो कॉन्टेक्ट में है और जो कॉन्टेक्ट में नहीं है दोनों के बारे में बता दिया है। आपको क्या करना है, आप कोई भी हैं जो भी कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं या नो कॉन्टेक्ट में, आपके लिए क्या गाइडेंस है वो मैं अब निकालने जा रही हूँ। ओके, बी प्रैक्टिकल, मूव ऑन, फोकस ऑन अदर थिंग्स। आप प्रैक्टिकल रहिए, वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट अपनी लाइफ को चलने दीजिए, रुकने मत दीजिए। हाँ, प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा सा सेल्फ लव करिए, तभी आगे गाड़ी बनेगी। चाहे वो कांटेक्ट में है चाहे वो कांटेक्ट में नहीं है, उनको आना है वो आ जाएंगे, विश्वास रखिए वो आ जाएंगे। थोड़ा सा वक्त इसी तरह का है, ये समय भी गुजर जाएगा। वो है ना, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।